बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कई बार ग्लूटन ज्यादा जाने से भी यूरिक एसिड की समस्या होती है। आपका कंधा स्टिफ हो सकता है, अकड़न जो आ सकती है, सूजन आ सकती है, कोनी में आ सकती है, फिंगर्स में आ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरिया है जो अफेक्ट करता है वो है हमारा ग्रेट टो। इस ग्रेट टो के एरिया में इतनी सूजन आ सकती है कि पैर रखना तक मुश्किल हो जाता है, हाईएस्ट पेन किलर यानी ट्रेमेडॉल तक लेने लग जाती है लोगों को। तो यूरिक एसिड से ही होम्योपैथी में एक दवा बनती है, आपको शायद ये नहीं पता होगा। किडनी से गंदगी निकालने की दवा भी है और यूरिक एसिड की टेंडेंसी को खत्म करने वाली दवा भी है और यूरिक एसिड के अटैक के टाइम पे इम्प्रूवमेंट देने वाली दवा भी है। अगर आप दवाई देते हो तो विद इन 72 आवर्स से लेकर और मरीज 3 महीने तक में बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। ऐसी ऐसी दवाइयां भी मरीज को केमिकल बेस्ड दी जा रही है, तो भैया लिवर और किडनी को तो इम्पैक्ट करेंगी ना, मरीज खा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर चक्षु मिश्रा जी से जानेंगे कि कैसे आप होम्योपैथी दवाइयों से यूरिक एसिड की समस्या को ठीक कर सकते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथी की दवाइयां होती हैं जो यूरिक एसिड में दी जाती हैं। साथ ही अगर आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो यूरिक एसिड की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। सर आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार सर, पहले तो आप एक ये समझाइए यूरिक एसिड क्या होता है। देखिए, आप जब खाना खा रहे हैं उस खाने में अलग अलग तत्व हैं जी, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें फैट भी है, ठीक है। अब आपने खाना खाया जो उसका प्रोटीन तत्व था वो आपकी बॉडी में गया, डाइजेस्ट हो गया। आपने ज़्यादा प्रोटीन खाया तो उसका कुछ पोर्शन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो प्यूरिन्स, वो अमीनो एसिड, वो टूटे नहीं, छोटे प्रोटीन टूटेगा तो छोटे पार्ट में कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में, तो वो जो प्यूरिन्स थे जो बॉडी से पास आउट नहीं हुए वो आपकी बॉडी में किडनी ने रीअब्सॉर्ब किए और उसे जाके आपकी मसल्स में स्टोर कर दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है जो बॉडी से फिल्टर नहीं हो पा रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा, बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपकी बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है और स्पेशली आपके जॉइंट्स में जाके इकट्ठा हो जा रहा है, उसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं। तो क्या यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द होता है या और भी कोई दिक्कत होती है? देखिए, जोड़ों के दर्द या आर्थराइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं। एक हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि भैया कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां घिसने लग गई, उसने हमने बोल दिया ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे कॉमन गठिया और एक पर्टिकुलर एज के बाद सबको होती है, ठीक। दूसरा हो गया यूरिक एसिड की वजह से, कि भैया यूरिक एसिड बढ़ रहा है उस वजह से आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है। जैसे आपके पांव हैं और आपके पांव का ये जो टो है स्पेशली इसके एरिया में पेन होना, या आपके छोटी छोटी उंगलियों में दर्द होना, या आपके ज्वाइंट में स्टिफनेस होना, ये सब यूरिक एसिड की वजह से होता है जी। फिर हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक अलग तरह की गठिया है जिसमें रूमेटिक फैक्टर बढ़ जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसकी वजह से ज्वाइंट तो प्रिजर्व हो जाएगा पर ज्वाइंट के आसपास हड्डी तो प्रिजर्व है लेकिन मांसपेशियों में और लिगामेंट में जबरदस्त स्वेलिंग आ जाएगी जी, ठीक। और लास्ट हो गया एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें कि हमारे जो कूले हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो अलग अलग तरह की गठिया होती है। लेकिन सर, किसी इंसान को यूरिक एसिड की वजह से शरीर में दर्द हो रहा है, क्या वो अलग तरीके का होता है? देखिए, यूरिक एसिड की वजह से लगभग 80% हिंदुस्तानी कभी ना कभी परेशान जरूर होते हैं। उसका कारण है कि हम भारतीयों का जो खान पान है उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन एक्स्ट्रा जाता है। आप विश्वास मानिएगा हिमांशु जी, जो रोटी आप खा रहे हैं जी, उसमें जो गेहूं मौजूद है उस गेहूं की में के आटे में भी प्रोटीन है, जिसे हम ग्लूटेन बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कई बार ग्लूटेन ज्यादा जाने से भी यूरिक एसिड की समस्या होती है। ग्लूटेन भी, लोग कहते हैं ना, दाल मत खाओ, अरबी मत खाओ, चना राजमा लोबिया मत खाओ, मोटी बासी बादी दालें जो होती हैं उड़द वगैरह वो मत खाओ। पर लेकिन भैया, जो रोटी में प्रोटीन जा रहा है उसे कैसे रोकोगे आप? ये बात भी है। तो मतलब हाई प्रोटीन इंटेक यूरिक एसिड बढ़ने का कारण हो सकता है। बहुत सबसे बड़ा मेजर कारण वही है। और उसकी वजह से आप ये देखेंगे कि रिसर्च कहती है एक टेंडेंसी होती है, फैमिलियल टेंडेंसी है, कि अगर सपोज करिए मेरे फैमिली में एक व्यक्ति को यूरिक एसिड की समस्या है तो उस फैमिली में, फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली ट्री में और लोगों को भी हो सकती है। हाँ, जेनेटिक ट्रेट में दिखाई देती है। तो सर, मेजर कारण क्या है यूरिक एसिड बढ़ने का? हमारा खान पान। किस तरह का खान पान? देखिए, आप सपोज करिए आपने खाना खाया और आपने उसे पचाया नहीं,
सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि भाई प्रोटीन है, लिवर में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर किडनी से एक्सक्रीट होगा, एक्सक्रीट नहीं होगा, रीअब्सॉर्ब होगा, तो वो फिर यूरिक एसिड बना देगा, तो ये टेंडेंसी बन गई। सो एक तो कारण है टेंडेंसी, जो फैमिली हिस्ट्री की वजह से आ सकती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब जीन्स की वजह से डीएनए में एक कुछ चेंजेस आ गए, उसकी वजह से फैमिली हिस्ट्री बन गई भैया परिवार में सभी को यूरिक एसिड होता है, फिर आपकी डाइट की वजह से हो गया। कई बार ऐसा होता है फैमिली हिस्ट्री में नहीं है पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हो गया, क्यों, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सो ज्यादा रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वॉक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, खाना बहुत हाई प्रोटीन खा रहे हैं। आजकल जैसे कि हिमांशु जी आपने देखा होगा चलन हो गया है सोया चाप, सोया चाप लोगों को सोया चाप बहुत पसंद है। अब आप सोचो कि सोया चाप एट द एंड ऑफ द डे है तो प्रोटीन ही, पर आप उसमें मैरिनेशन कर रहे हो, यानी आप उसमें मलाई भी लगा रहे हो, आप उसमें क्रीम भी लगा रहे हो, वो सारा मिल्क है, वो भी प्रोटीन है, तो आप दो तरह के प्रोटीन आपने इस्तेमाल कर लिए, हाई प्रोटीन हो गया। तो जो लोग जिम जाते हैं प्रोटीन शेक्स लेते हैं, आजकल एक पर्टिकुलर कंपनी के शेक्स का चलन बहुत चल गया है वजन कम करने के लिए, है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे है तो सब कुछ प्रोटीन ही ना, रोटी तक में तो प्रोटीन है। अब आइडियली माना जाता है कि 10 से 15 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा एक पेशेंट को यूरिक एसिड में प्रोटीन इंटेक नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई नॉर्मल इंसान है वो कितना? अब नॉर्मल इंसान के लिए माना जाता है 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अच्छा, मतलब अपने बॉडी वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन लेना पर किलो के हिसाब से 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लो, आप 50 किलो वजन है तो 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लो, इतने ग्राम प्रोटीन पर डे आपको चाहिए। लेकिन अगर सर कोई इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करता है, चाहे वो एरोबिक एक्सरसाइज करे, चाहे वो योगा करे, या फिर वो जिम में जाकर एक्सरसाइज करे, जब उन अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहा है तो क्या प्रोटीन इनटेक वो ज्यादा कर सकता है? हाँ, वो तब वो कर सकते हैं क्योंकि तब आपके मसल का ब्रेकडाउन होगा, मसल को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी में सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर कोई, जैसे आजकल सबको पता है कि यूथ में जिम का बहुत बड़ा शौक है और मोस्टली लोग जिम जाने वाले प्रोटीन शेक्स पीते हैं, कोई मास गेनर खाता है, तो क्या अगर प्रोटीन शेक की जो क्वांटिटी वो लेते हैं उसके हिसाब से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो प्रोटीन शेक उनको यूरिक एसिड की समस्या दे सकता है? जब आपने इनकी बात करी तो आपने कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा भी देखा होगा जो जिम पे तो जा रहा है लेकिन अगर वो दो दिन जिम नहीं जाता है तो उसका शरीर ऐठने लग जाता है और स्टिफनेस होने लग जाती है, तो वो चाहे जिम नहीं भी जाए बाय एनी रीजन उसको वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, नहीं तो शरीर उसका बिल्कुल स्टिफ होने लग जाएगा जी। तो वो स्टिफनेस कहाँ से आ रही है? वो स्टिफनेस उसी प्रोटीन इनटेक की वजह से आ रही है। ये बात तो है। तो सर अगर यूरिक एसिड किसी की बॉडी में बढ़ रहा है तो कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज उसको हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको जॉइंट मोबिलिटी में दिक्कत हो सकती है, जॉइंट के मूवमेंट में आपका कंधा स्टिफ हो सकता है, अकड़न जो आ सकती है, सूजन आ सकती है, कोनी में आ सकती है, फिंगर्स में आ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरिया है जो अफेक्ट करता है वो है हमारा ग्रेट टो। इस ग्रेट टो के एरिया में इतनी सूजन आ सकती है कि पैर रखना तक मुश्किल हो जाता है, हाईएस्ट पेन किलर यानी ट्रेमेडॉल तक लेने लग जाती है लोगों को, और ट्रेमेडॉल लोग लेते हैं दिन में 3-3 बार तक, इतना जबरदस्त दर्द होता है। तो अब आप सोचिए कि कितनी तकलीफ हो जाती है यूरिक एसिड के बढ़ने से। सर, कई लोगों की एडी में भी दर्द होता है, क्या वो भी यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है? एडी का दर्द प्लांटर फेशाइटिस भी हो सकता है ना। एडी के दर्द में आप समझ लो पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है कि भाई शरीर में नसें जा रही है और नसों में कहीं चुभन हो गई, नसें कहीं दब गई, वो भी हो सकती है। तो एडी में दर्द के बहुत सारे कारण है, पर ग्रेट टो और फिंगर्स उंगलियां इनके जोड़ों में दर्द का जो एक मेजर कारण है वो यूरिक एसिड है। ये तो यूरिक एसिड का कारण हो गया, कई बार चोट की वजह से, अलग बीमारी की वजह से भी होता है, लेकिन एक आम आदमी कैसे पता लगाए कि उसकी बॉडी में यूरिक एसिड की कमी हो रही है और ये जो भी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं वो यूरिक एसिड की वजह से आ रहा है? क्योंकि जनरली लोग टेस्ट नहीं कराते एकदम, जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराते हैं, तो अमूमन घर पर कैसे पहचाने? मेडिकल भाषा में हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑनसेट। ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है बीमारी कैसे शुरू हुई। कोई भी गठिया ऑस्टियोआर्थराइटिस या कैल्शियम की कमी की वजह से एकदम चालू नहीं होगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक दिन में चालू नहीं होगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस धीरे धीरे बढ़ेगा। अकेला यूरिक एसिड ऐसी बीमारी है, ऐसी गठिया है जो सडनली चालू होती है तुरंत। तो अगर किसी पेशेंट को सपोज करो आज वो सो रहा था, आज उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कल सुबह सो के उठे और दर्द चालू हो जाए, असहनीय दर्द है, जबरदस्त दर्द है पैर में, उंगली में, हाथ में, कहीं पे भी शरीर में जबरदस्त स्वेलिंग आ रही है, एक्सटेंसिव पेन है, हाथ या उंगली या अंगूठा चलाने में दिक्कत है और इतनी स्टिफनेस है
कि वो मतलब चीजों को ग्रेस्प तक नहीं कर पा रहा है, जमीन पे पैर भी नहीं रख पा रहा है। तो जब सडन ऑनसेट हो, तकलीफ एकदम से ज्यादा हो, हाईएस्ट पेन किलर लेने से ही आराम आए, नॉर्मल से पेन किलर से कोई फायदा नहीं हो रहा हो, मतलब तकलीफदायक सिचुएशन हो जाए और विद इन 24 घंटे प्रॉब्लम आ जाए, तो यहां पर 100% आपको यूरिक एसिड का अटैक आया है। ये बात तो बहुत सही बताई आपने। सर, होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाई है यूरिक एसिड के लिए, वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने कहा ना कि भाई हमारा खान पान बहुत मैटर करता है यूरिक एसिड में, तो अब आप इसमें यह भी बता दीजिए कि यूरिक एसिड के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और कितना खाना चाहिए। देखिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे कह दूं कि आप अगर ये सोचने बैठेंगे ना कि हम जो पूरे दिन में खा रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन है, तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि आप 25 ग्राम से ऊपर प्रोटीन ले लेते हैं। और कई बार ऐसा महसूस होगा कि प्रोटीन इंटेक 10 ग्राम भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देखें, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो प्रोटीन इंटेक उतना ज्यादा ना रखें। बहुत प्रोटीन का इंटेक बहुत मैटर करता है, देन प्रोटीन आपकी बॉडी से प्रॉपरली बाहर निकले उसके लिए उतना ही पानी भी जरूरी है, उतना एक्सक्रीशन जरूरी है, किडनी का फंक्शनिंग प्रॉपरली हो इसके लिए वर्कआउट भी जरूरी है, पसीना आना भी जरूरी है, पानी उतना ज्यादा पीना भी जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने हिमांशु जी सुना होगा एक वर्ड है TDS, टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट्स। हम पानी पीते हैं तो जो बिस्लरी का पीते हैं उसका TDS अलग है, नल का पीते हैं उसका अलग है, तो हर जगह का पानी का TDS अलग है। आप हाई TDS का पानी पिएंगे तो वो किडनी से शरीर की गंदगी को बाहर निकालेगा, लो TDS का पानी पिएंगे, बिस्लरी आप 1 लीटर पी लीजिए आपको पता नहीं चलेगी कहां चली गई। आपने पानी तो 1 लीटर पिया पर वो पानी पता नहीं चला। तो हाई TDS का पानी कई बार बहुत जरूरी हो जाता है किडनी से उस प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। जी, लेकिन सर अगर मैं सिंपल टर्म में जानना चाहूँ, ऐसी कौन कौन सी फूड है जिससे हमें हाई प्रोटीन मिलता है, और कौन कौन से ऐसे हैं कि जिनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, स्पेशली यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए। देखिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो मिल्क प्रोडक्ट्स में सफिशियंट अमाउंट में प्रोटीन है। आप अगर मिल्क प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, आप केवल मट्ठे के फॉर्म में लीजिए या घी के फॉर्म में लीजिए, दही भी गाढ़ा लेंगे तो भी वो प्रोटीन इंटेक ज्यादा करेगा। फिर अगर आप जो है नॉन वेजिटेरियन है तो चाहे चिकन खाएं, मटन खाएं, फिश खाएं या एग खाएं, सब में प्रोटीन है। और अगर आप वो जो ग्रेवी वाला बटर चिकन या इस तरह की चीजें खा लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना प्रोटीन इंटेक वहां पर बढ़ा दे रहे हैं। जो जिम जाने वाले लोग हैं वो ऑलरेडी प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं। तो देखिए, आप अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये तीनों दालें ऐसी हैं जो थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा लेती हैं, खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा पानी उसमें डला होना चाहिए। पतली दाल हो तो खा सकते हैं, गाढ़ी हो तो नुकसान करेगी आपको। चना, राजमा, लोबिया, कोई भी बीन्स खाएंगे ये सब तरह से, मटरा भी कहीं ना कहीं प्रोटीन आपका बढ़ाएगा। आप होल ग्रेन्स खाते हैं, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, चना, सूजी, दलिया, ओट्स, किनोआ, साबुदाना, तो ये सब चीजें आपकी बॉडी से गंदगी को, प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन को बाहर निकालने में मदद करेंगी, या जो एक्स्ट्रा प्रोटीन चला गया है उसे सेटल करने में आपकी मदद करेंगी। और फिर फ्रूट्स, आप सब तरह के फल खाएं, सब तरह की सलाद खाएं, सब तरह की सब्जी खाएं, हाँ जिसमें थोड़ा आयरन कंटेंट ज्यादा है जैसे पालक या चुकंदर इंटेक लें, पर एक लिमिटेड अमाउंट में लें। आयरन को थोड़ा कंट्रोल करें, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन क्योंकि वो चीजें कसैली होती हैं। अब कसैली चीजों में अरबी का पत्ता भी आता है, कसैली चीजों में आपका जो ये चुकंदर है वो भी आता है, पालक भी आता है, तो कसैली चीजें लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि ज्यादा समय लगता है बॉडी को उन चीजों को डाइजेस्ट करने में। सर, यूरिक एसिड को कम करने में क्या एक्सरसाइज का भी अपना एक रोल होता है, अगर है तो फिर यूरिक एसिड को कम करने के लिए इंसान सामान्य तौर पर कौन सी एक्सरसाइज करे? आप किसी भी उम्र के पेशेंट हैं, जो बेसिक चीज आप कर सकते हैं वो है वॉक। लेकिन आप सोचिए कि वॉक करने से पहले बिस्तर से उठ के नीचे तो उतरना पड़ेगा ना। तो अगर बाबा रामदेव का आपने कोई भी वीडियो, जिनको मैं उनको काफी अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो जिस तरह से योग को फैला रहे हैं, फैलाया है उन्होंने इनफैक्ट, तो देखिए सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसी चीज है जिसपे वो बहुत फोकस करते हैं और मुझे भी बड़ा पसंद है वो, पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ। आप बेड से सो के उठ रहे हैं, सबसे पहले अपनी फिंगर्स को 10 बार मूव करेंगे, फिर आप रिस्ट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 बार चलाएंगे, एल्बोस को 10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, शोल्डर्स को एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज चलाएंगे, फिर
आप बेड से उतरने से पहले आप पैर जमीन पर रखिए, उससे पहले आप अपने टोस को मूव करें, फिर आप अपने एंकल्स को मूव करें, फिर उठ के खड़े हो तो बेड का सहारा लें या दीवार का सहारा लें, घुटनों को मूव करें टू एंड फ्रो आगे पीछे, कूल्हे का मूवमेंट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका वार्म अप हो गया। तो कहीं पे भी स्टिफनेस होगी वो इंप्रूव होगी। हाँ। फिर आप अपना वॉक पे निकल जाएं, आप 5000 कदम वॉक करके आ जाएं, आप इतना सही काम कर ले रहे हैं तो भी यूरिक एसिड से मुक्ति मिलेगी। हाँ, लेकिन कभी कभी जब अटैक आता है ना यूरिक एसिड का, उसको रिकवर करते समय वो 10-15 दिन जो होते हैं वो एक्सरसाइज के लिए बड़े मुश्किल होते हैं, तो उसको छोड़ दें तो आप आराम से यूरिक एसिड मेंटेन कर सकते हैं। यूरिक एसिड के अटैक आने का मतलब क्या होता है? यूरिक एसिड के अटैक में, यूरिक एसिड के अटैक में सडनली इन्फ्लेमेशन हो जाता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और खासकर यूरिक एसिड का अटैक आपके ग्रेट टो यानी सबसे बड़े अंगूठे में, पैर के अंगूठे में होता है। सडन एकदम से सारा बहुत सारा यूरिक एसिड वहां इकट्ठा हो जाता है, उस वजह से इन्फ्लेमेशन आने लग जाती है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मूवमेंट इफेक्ट हो जाता है, भयंकर स्टिफनेस आ जाती है। तो ये हर समय नहीं होगा, पर कभी आपको यूरिक एसिड रिपोर्ट्स में तो नॉर्मल दिख रहा है, पर सडनली यूरिक एसिड का डिपोजिशन एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा हो जाएगा, तो उसे हम अटैक कहते हैं। लेकिन सर इसमें मेडिसिन कैसे काम करती है होम्योपैथी की, और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में, उसे ठीक करने में होम्योपैथी का क्या योगदान है, और कौन सी मेडिसिन किस तरह से काम करती है? देखिए, होम्योपैथी में अलग अलग तरह की दवाइयां हैं, और सिलेक्शन जो होगा दवाई का वो आप ये सोचेंगे कि आपको किस तरह से दवा देनी है। एक दवा तो हो गई कि जनरली लेते रहो जो यूरिक एसिड को बॉडी से निकालती रहे, तो वो तो हो गई किडनी क्लींजर रेमेडीज। हाँ जी। कोई भी मदर टिंचर आपने ले लिया, सपोज बर्बरिस वल्गरिस नाम की एक दवा है जो पथरी निकालने के काम आती है, आपने कुछ नहीं तो 10 बूंद दवा सुबह शाम या दोपहर शाम आप पी रहे हैं कुछ दिन तक डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, तो वो किडनी क्लींजिंग का काम करेगी। कैंथेरिस नाम की एक दवा है, वो भी किडनी क्लींजिंग का काम करती है, यूरिन इन्फेक्शन से बचाती है। दूसरी तरह की दवाइयों में यूरिक एसिड बनने की टेंडेंसी को कम करने वाली दवाइयां हैं, अब वो मरीज के हिसाब से सिलेक्ट होती है कि हमें थूजा देनी है, हमें लाइकोपोडियम देनी है, या हमें कोई और तरह की दवा देनी है। ठीक। और तीसरी हो गई गाउट अटैक, जब आता है यूरिक एसिड का अटैक आता है उसमें जो है इम्प्रूव करने में, तो यूरिक एसिड से ही होम्योपैथी में एक दवा बनती है, आपको शायद ये नहीं पता होगा, है ना, यूरिक एसिड से ही एक दवा बनती है, उसका नाम है एसिडम यूरिकम। तो जब गाउट का अटैक आता है तो हम एसिडम यूरिकम नाम की दवा 30 पोटेंसी में अगर लें या 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में लें अटैक के टाइम पे आप 2-2 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में लेते हैं तो 15-15 मिनट पे भी रिपीट कर सकते हैं, और आप अगर उसे 72 आवर्स तक ले लेंगे आपको विद इन 24 आवर्स भी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। और एक और दवाई है, उसका नाम जो है वो लिडम्पाल है, आप लिडम्पाल नाम की एक दवा लीजिए 200 पोटेंसी में, और उसे फ्रीक्वेंटली रिपीट कर लीजिए, आपको अटैक कंट्रोल हो जाए। तो मतलब तीन तरफा दवाइयां मौजूद है, किडनी से गंदगी निकालने की दवा भी है, और यूरिक एसिड की टेंडेंसी को खत्म करने वाली दवा भी है, और यूरिक एसिड के अटैक के टाइम पे इम्प्रूवमेंट देने वाली दवा भी है। सर कितना चांस है अगर हम मतलब यूरिक एसिड को अगर हम बिल्कुल इग्नोर मार दें, हमारा कितना ही बढ़ रहा है फिर भी हम परहेज नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, जो मन है वो खा रहे हैं और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन्स फेल होने के चांसेस हैं? देखिए, ऑर्गन्स फेल तो नहीं होते हैं, मैं आपको हिमांशु जी बता दूँ, धारणा भी ऐसी है कि होता है, मैंने अभी तक अपनी हिस्ट्री लाइफ में नहीं देखा है, करियर में नहीं देखा है। हाँ, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं, और स्पेशली देखो जॉइंट मोबिलिटी किसी मरीज की अफेक्ट हो जाए, वो मूवमेंट ही ना कर पाए, उससे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है? आप बेड रिटन हो जाओ, शरीर नहीं चल रहा है, दर्द हो रहा है, सुबह से शाम तक आप तकलीफ में हो, उतना मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। भाई हम मरीजों की तकलीफ सुनते हैं ना, जब देखते हैं वीडियो कॉल पर, मरीज ओपीडी तक नहीं आ पा रहा, वीडियो कॉल पे दिखाया जा रहा है डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ में है बहुत। तो देखो, जब आपका एक तरह से जिंदगी जीने का जो लाइफस्टाइल है वो ही डिस्टर्ब हो गया, तो उससे बड़ी तकलीफ क्या है किसी मरीज के लिए? तो ऑर्गन तो जाना बात की बात है, आपका जॉइंट मोबिलिटी इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं जिंदगी जी ही क्यों रहा हूँ, रोज तो दर्द हो रहा है मुझे, कट रही है जिंदगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ही आपकी बेकार हो गई। तो फिर ये बताओ क्या इस फायदे जिंदगी का जीने का फायदा क्या है? ये बात भी है। सर होम्योपैथी की दवाई यूरिक एसिड में कितने दिन में असर दिखाना शुरू करती है? देखिए, ये सवाल बेसिकली डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है, और मैं आपको बताऊं भाई, 13 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, 5 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में, अभी इस समय एसोसिएट प्रोफेसर हूँ,
क्योंकि मैंने देखा है कि सब कुछ डिपेंड करता है आप कितनी शिद्दत से एक मरीज की मदद करना चाहते हो। दवाइयां तो देखो ढूंढने बैठोगे तो 250 से ऊपर दवाइयां हैं, है ना। आप बुक्स में ढूंढ लो, रिपोर्टरी में ढूंढ लो, 250 से ऊपर दवाइयां और ज्यादा ही होंगी बल्कि, लेकिन आप कितनी शिद्दत से मदद करना चाहते हो, इफेक्ट सारा उस पर डिपेंडेंट है। पेशेंट की बात सुनने से लेकर रिपोर्ट्स की पैथोलॉजी देखते हुए, उसके कॉम्प्लिकेशन जो हो रहे हैं उसे समझते हुए अगर आप दवाई देते हो तो विद इन 72 आवर्स से लेकर और मरीज 3 महीने तक में बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। लेकिन सब डिपेंड करता है आप कितना शिद्दत से उस मरीज की मदद करना चाहते हो। अब बहुत से लोग तो सर ऐसे हैं जो वो केमिकल बेस्ड दवाइयां खाते हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए, कितना तो सही है और कब तक खानी पड़ेगी और क्या नुकसान है? देखिए मैं तो ये बताऊं आपको, हर मरीज जो मेरे पास यूरिक एसिड समस्या लेकर आता है वो ऑलरेडी दवा खाते हुए आता है और उसे बता दिया गया है, उसके दिमाग में फीड कर दी गई है तुम्हें जिंदगी भर ये गोली खानी है। अब वो कुछ समय तक खाने के बाद जब उकसा जाता है ना तो वो ढूंढता है कि भैया आयुर्वेद में चला जाऊं या मैं होम्योपैथी में चला जाऊं, और दोनों ही चिकित्सा पद्धति में मैं आपको बताऊं लाजवाब ट्रीटमेंट है। बस डॉक्टर की थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि विलिंगनेस होनी चाहिए मरीज की मदद करने की, और पेशेंट जो है वो कॉपरेटिव होना चाहिए। ये भी मतलब परहेज करे पूरा, परहेज परहेज ध्यान रखे, डाइट समय दवाई समय से ले, रूटीन मेंटेन करे, तो ये सब चीजें बड़ी जरूरी है। आपको लाइफस्टाइल जीनी है ना, आपको जिंदगी भर दवाई पर कोई भी मरीज निर्भर नहीं रहना चाहता। मुझसे आपको अगर जिंदगी भर दवा खानी है मैं कैसे खा लूंगा, ये बात भी है, मतलब जरूरी नहीं है जिंदगी भर दवाई खाई जाए। और सबसे कमाल की बात यह है हिमांशु जी, जब अटैक आएगा ना तो हाईएस्ट ऑफ पेन किलर चाहिए, मतलब आपका नॉर्मल पैरासिटामोल एसिक्लोफेनाक इससे काम नहीं चलेगा, डाइक्लोफेनाक या लास्टली ट्रेमेडॉल। तो आप सोचो आप ट्रेमेडॉल भी आप दे रहे हो तो दिन में 3-3 बार दे रहे हो। अब आजकल तो नया अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे, देखो मैं किसी कंपनी को गलत नहीं कहूंगा, ना मैं कमेंट करूंगा, ना मैं इस वीडियो को सनसनीखेज बनाऊंगा, लेकिन आप सोचिए तीनों तरह के पेन किलर को मिला के एक ही गोली में चारों टाइप के पेन किलर पड़े हुए हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां भी मरीज को केमिकल बेस दी जा रही है, तो भैया लिवर और किडनी को तो इम्पैक्ट करेंगी ना मरीज खा रहा है। तो अब ये मरीज पे भी निर्भर करता है ना कि वो क्या चूज करना चाहता है। ये बात, अगर उसे सॉल्यूशन चाहिए तो वो सही रास्ता अपनाएगा, नहीं तो फिर वो जिंदगी भर दवाई वो वैसे ही खाता रहेगा। तो सर आपका धन्यवाद कि आपने होम्योपैथी के बारे में बताया। तो आपने काफी कुछ जाना होगा यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट होम्योपैथी के माध्यम से कैसे होता है, लेकिन दवाइयां जो भी हैं उससे ज्यादा जरूरी है आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल पर तैयार होना कि हाँ भाई मुझे इस पैथी में जाना है, इस तरीके से लाइफ को अपने मैनेज करना है और ये डाइट अपनानी है। क्योंकि बिना डाइट को फॉलो करे, बिना खान पान में बदलाव करे, बिना एक्सरसाइज करे कुछ भी संभव है ही नहीं। आप जिंदगी भर दवाई खाते रहिए बिना लाइफ स्टाइल को कंट्रोल किए आप नहीं हो सकते हो ठीक। लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई हेल्थ इश्यूज है और आप चाहते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट या और कोई ट्रीटमेंट आपको उसका मिले तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक आपकी बीमारियों का सॉल्यूशन पहुंचाया जाए ताकि आप ठीक हो सके, उस बीमारी को जड़ से खत्म कर सके और अपनी जिंदगी को खुशहाली से जी सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।